खाना खाने के बाद फलों का इस्तेमाल सेहत के लिए भी मुफीद है और दांतों पर मैल भी जमने नहीं देता अक्सर आटे में सूढ़िया या कीड़े पैदा हो जाते हैं अगर चंद तेज पत्ते लेकर आटे में ऊपर नीचे डाल दिए जाएं, तो आटा कीड़ों से महफूज रहता है मैदा सूजी बेसन कॉर्नफ्लोर में बहुत जल्दी गुन लग जाते हैं इन सब चीजों को फ्रीजर में या फ्रिज में रख देने से आप एक साल तक के लिए इन्हें बसानी इस्तेमाल कर सकते हैं दानेदार नमक को टूथब्रश पर लगाकर दांतों पर लगाने से दर्द कम हो जाता है बाल लंबे करने के लिए रात भर पानी में इमली डालकर दें और सुबह इस पानी से बाल धो लें बाल धोने का ये अमल हफ्ते में एक बार जरूर करें चावलों को महफूज रखने के लिए चावलों में खुश्क नीम के पत्ते मिलाकर रख दें अगर आप चाहती हैं कि आपका चेहरा हमेशा सुर्ख और खूबसूरत रहे तो ब्लैक चाय का इस्तेमाल करें पूरियों को बेलने के बाद 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखने के बाद फ्राई किया जाए तो ना सिर्फ ऑयल कम इस्तेमाल होता है बल्कि पूरिया भी खस्ता बनती हैं अगर आप मेदे की जलन का शिकार हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक से परहेज़ करें ये मशरूबात मैदे में मुख्तलिफ गैसों को जमा करके मैदे की तकलीफ को बढ़ाती है अगर मुंह में कोई जख्म ना होने के बावजूद मुंह से बदबू आए तो समझ लें कि मैदे में कुछ खराबी है कपड़ों पर अगर कीचड़ के दाग पड़ जाएं, तो आधा से ठंडे पानी में एक आलू पीस कर डाल लें फिर इसे अच्छी तरह मलाकर छान लें ताकि आलू में मौजूद अजसा पानी में हल हो जाए फिर इस पानी से दाग को धो लें दाग साफ़ हो जाएंगे चाय बनाने के बाद जो पति रह जाए इससे अंडे वाली प्लेटों को धोया जा सकता है सर की खुश्की दूर करने के लिए लीमुओं का टुकड़ा सर पर मले इन खुश्की खत्म हो जाएगी आँखों के नीचे स्याह हल्के दूर करने के लिए आलुओं को छीलकर इनका जूस निकाल लें फिर इस जूस में रुई के टुकड़ों को भुगो कर के नीचे रख दें और इस बात को यकीनी बना लें कि तमाम स्याह हिस्सा रुई से ढका हो बाद में ठंडे पानी से इसे साफ कर ले हल्के दूर हो जाएंगे अगर पेट दर्द में एक कप दही का इस्तेमाल किया जाए तो पेट दर्द से निजात मिल जाती है क्योंकि दही में मौजूद बैक्टीरिया जिसम में जरासीम से लड़ने की तवानाई को बढ़ाता है और हाजमे को बेहतर करता है ब्राउन शुगर को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इसे हमेशा फ्रिज में रखिए महीने में दो या तीन बार ग्रैंडर में नमक पीसने से ग्रैंडर के ब्लेड्स तेज रहते हैं पकौड़े या समोसे तलते वक्त अमूमन कुकिंग ऑयल की रंगत स्या पड़ जाती है इसे साफ करने के लिए इसमें एक चम्मच सफ़ेद जीरा डालकर हल्की आंच पर पकने दें और फ्राई पैन डाल दें ताकि ये अमेजा उबलना शुरू हो जाए थोड़ी देर बाद फ्राई पैन चूल्हे से उतार लें तेल साफ हो चुका होगा इसे छानकर दोबारा इस्तेमाल कर लें सर्दियों में कोहनी की जिल्द को नर्मो मुलायम बनाने के लिए शहर को कुदरती मॉइस्चराइजर के तौर पर इस्तेमाल करें हैजे की रोकथाम के लिए चावल की चाय इस्तेमाल करके देखें आधा कप चावलों में छह कप पानी पंद्रह मिनट तक उबालें फिर चावल निकाल कर पानी में शहद या चीनी मिलाकर पी लें जुओं से निजात हासिल करने का घरेलू टोटका नीम के पत्तों का रस तीन खाने के चम्मच नमक एक चाय का चम्मच ले लें आप एक प्याली में नीम के पत्तों का रस और नमक मिलाकर अच्छी तरह मिक्स करके इस मिक्सर को अच्छी तरह बालों के जड़ों में लगाएं तीस मिनट बाद सर लें चाहे तो शैम्पू भी कर सकते हैं हफ्ते में एक बार ये अमल जरूर करें एक मरतबा ही लगाने से जुए मर जाएंगी पेट दर्द में जली हुई डबल रोटी खाने से दर्द से निजात हासिल की जा सकती है क्योंकि इसका स्याह हिस्सा उन जहरीले अजसा को जजब कर लेता है जो कि आपको किसी तरह मुतासर कर सकता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नेक्स्ट टाइम के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया